शिक्षार्थियों नमस्कार, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी NIOS के इस स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज चर्चा का विषय है भाषा एवं भाषा प्रयोगशाला। विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ उपलब्ध हैं डॉक्टर गिरीश कुमार तिवारी, जो महिला महाविद्यालय के शिक्षा विभाग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आए हुए हैं। मैं इस स्टूडियो में डॉक्टर गिरीश का स्वागत करता हूं। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर त्रिपाठी, और साथ में हमारे सभी दर्शकों को भी नमस्कार। डॉक्टर गिरीश, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे शिक्षार्थियों को और हमको बताने का कष्ट करें कि भाषा एवं भाषा प्रयोगशाला, ये नया विषय लगता है मुझे। और पहले तो मैं चाहूँगा कि भाषा का संप्रत्यय आप थोड़ा चर्चा करें कि भाषा से क्या तात्पर्य है, उसके बाद हम भाषा प्रयोगशाला पर चर्चा करें। डॉक्टर त्रिपाठी, भाषा आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है जी। हम सभी सामान्य रूप से भाषा के संप्रत्यय को समझते हैं जी, और अपने अपने तरीके से हम सब इसको परिभाषित करने का प्रयास भी करते हैं। सामान्य रूप में भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में भाषा को परिभाषित किया जाता है। अलग अलग विद्वानों ने इसे अलग अलग ढंग से परिभाषित करने की कोशिश भी की है। अगर उन परिभाषाओं पर ध्यान दिया जाए तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, जैसे कि बी ब्लॉक एवं जीएल ट्रेगर ने जो परिभाषा दी जी। कहा कि भाषा यादृच्छिक वाचिक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव विचारों का आदान प्रदान करता है जी। इसी क्रम में स्त्रुत्वा ने भी भाषा की परिभाषा दी और कहा भाषा यादृच्छिक भाषा प्रतीकों का तंत्र है जिसके द्वारा एक सामाजिक समूह के सदस्य सहयोग एवं संपर्क करते हैं जी। वेंद्रीय ने इसकी बड़ी विस्तृत परिभाषा दी और कहा कि भाषा एक तरह का चिन्ह है जी। चिन्ह से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है जी। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्र ग्राह्य, श्रोत्र ग्राह्य और स्पर्श ग्राह्य। भाषा की दृष्टि से वेंद्रीय ने श्रोत्र ग्राह्य प्रतीक को सर्वश्रेष्ठ माना, अर्थात वैसे प्रतीक जिन्हें हम अपने श्रवणेन्द्रिय अर्थात कानों से सुनकर और ग्रहण करते हैं उसे वह श्रेष्ठ मानते हैं। अब अगर इन सभी परिभाषाओं को, जिनकी हमने अभी बात की, स्त्रुत्वा की परिभाषा, वेंद्रीय की परिभाषा और ब्लॉक एवं ट्रेगर की परिभाषा, जिन सभी परिभाषाओं की हमने बात की, तो इन परिभाषाओं में सब में कुछ सामान्य तत्व हैं जी। पहला सामान्य तत्व यह है कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है जी। और दूसरी सामान्य बात कि यह संप्रेषण समाज के विभिन्न सदस्यों के मध्य व्यक्तिगत या सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है, अर्थात संप्रेषण का माध्यम भाषा है और संप्रेषण सामाजिक है क्योंकि समाज के विभिन्न सदस्यों के मध्य हो रहा है और उन्हीं की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो रहा है। तो इसके अलावा अन्य भी सामान्य तत्व हैं, जैसे भाषा प्रतीकों की एक व्यवस्था है और वो प्रतीक यादृच्छिक है, यानी कि प्रतीक और उसके अर्थ में कहीं से कोई नियमबद्धता नहीं है कि अगर हम रोटी को रोटी कहते हैं तो इसके पीछे इतने सारे तर्क हमारे पास है कि इसे रोटी क्यों कहा जाता है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके से किसी ने बहुत पहले रोटी कही होगी, वो परंपरा से चली आ रही, हम भी आज उसे रोटी कहते हैं, उसके पीछे कोई नियम नहीं है जी। तो ये सारी सामान्य बातें हैं, लेकिन हमारा जो ध्यान हमें जिस बात पर केंद्रित करना है वो ये कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है और संप्रेषण समाज के सदस्यों के मध्य होता है। इस प्रकार से भाषा सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है जी। अंग क्या कह लें, हम अगर भाषा के अभाव में समाज की संकल्पना ही नहीं बन सकती है जी। तो सामाजिक व्यवस्था का अंग होने के कारण या सामाजिक व्यवस्था की बुनियाद होने के कारण भाषा का अध्ययन और अध्यापन आदिकाल से ही चला आ रहा है। न सिर्फ अध्ययन और अध्यापन हो रहा है
बल्कि इस पे हम निरंतर नवाचार भी देखते हैं जी। आए दिन इसकी नई नई विधियां हमें देखने को मिलती है और इन्हीं नवाचार के परिणाम स्वरूप या कह ले कि इसी नवाचार का परिणाम है ये भाषा प्रयोगशाला जिसकी हम आज बात करेंगे। डॉक्टर तिवारी, मैं थोड़ा यहाँ पर सामान्य महसूस नहीं कर रहा हूँ कि विज्ञान विषयों में प्रयोगशाला शब्द का प्रयोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन भाषा विषय में जो हम समाज में रहते सीखते हैं, घर में रहते हुए सीखते हैं, संप्रेषण के माध्यम से सीखते हैं, इसमें प्रयोगशाला का क्या तात्पर्य है, कैसे मतलब कि इसे सीखा जा सकता है प्रयोगशाला में? आपकी दुविधा या जो आपके मन में जो द्वंद्व चल रहा है वो बिल्कुल ही उपयुक्त है जी। क्योंकि प्रयोगशाला शब्द का जैसे ही हम जिक्र आता है, जैसे ही हम सुनते हैं उसे, तो हमारे मन में तुरंत विज्ञान विषय की ओर चला जाता जी। है, या आजकल कंप्यूटर के प्रयोगशाला की बात की जाने लगी तो हमारा ध्यान तुरंत उधर चला जाता है। वास्तव में प्रयोगशाला की शुरुआत जो है वो विज्ञान विषयों के लिए ही हुई थी जी। क्योंकि उसमें व्यावहारिक कौशलों के विकास की आवश्यकता होती थी। जैसे जैसे भाषा के क्षेत्र में शोध कार्य हुए जी। या भाषा शिक्षण की विधियों में नवाचार होता गया जी। तो यह देखा गया कि भाषा भी एक व्यावहारिक विज्ञान के रूप में जाना जा सकता है जी, जी। और जब यह विज्ञान है, क्योंकि इसमें भी हम कौशलों की बात करते हैं, मुख्य रूप से चार कौशलों, श्रवण कौशल, भाषण कौशल, लेखन कौशल और पठन कौशल की बात करते हैं, और जब व्यावहारिक कौशलों के विकास की बात होती है तो प्रयोगशाला की आवश्यकता हमें पड़ती है। कौशल अभ्यास से सीखे जा सकते हैं तो उसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। इसलिए भाषा के संदर्भ में भी प्रयोगशाला की बात की गई। डॉक्टर तिवारी, भाषा प्रयोगशाला क्या है? आगे हम इसी पे चर्चा कर रहे हैं कि ये है क्या। जैसे हम सुनते हैं तो हमारे मस्तिष्क में, एक आम आदमी के मन में, तो सीधा प्रयोगशाला का चित्र उभर जाता है जी। लेकिन हमारे विद्यार्थी, जो विशेषतः भाषा की या जो शिक्षा शास्त्र के विद्यार्थी हैं, वो इसे कैसे समझते हैं, इस पर अभी हम थोड़ी बात करेंगे। वास्तव में यह एक शिक्षण अधिगम सामग्री है। अपने सरलतम रूप में भाषा प्रयोगशाला एक ऐसा कक्ष हो सकता है जिसमें सिर्फ एक टेप रिकॉर्डर के माध्यम से विद्यार्थी भाषा संबंधी अभ्यास कार्य कर सकते हैं, यह उसका सरलतम रूप है जी। लेकिन भाषा प्रयोगशाला इतना ही नहीं है, इसका व्यापक या जटिल रूप भी हमारे सामने है। इसलिए एमएस हियास नाम के एक विद्वान ने जब इसको परिभाषित किया तो उन्होंने कहा कि भाषा प्रयोगशाला एक कक्षा कक्ष है जिसमें विदेशी भाषा के अधिगम को, यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो है विदेशी भाषा के अधिगम को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के उपकरण जुटाए गए हैं। सामान्यतया यह कार्य साधारण व्यवस्था में इतना प्रभावशाली नहीं बन सकता। कहने का तात्पर्य कि आमतौर से भाषा प्रयोगशाला की आवश्यकता विदेशी भाषा को सीखने में पड़ती है, ऐसा एमएस हियास साहब ने कहा जी। लेकिन मेरा मत इससे थोड़ा सा भिन्न है जी। क्योंकि जैसे हम विदेशी भाषा की बात करते हैं तो उसका सीधा आशय होता है किसी अन्य देश की भाषा जी। लेकिन भारत स्वयं ही एक बहुभाषी देश है जहां एक से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, लिखी पढ़ी जाती हैं और समझी जाती हैं। तो ऐसे में हम विदेशी भाषा की जगह अगर अन्य भाषा शब्द का प्रयोग करें तो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। और आवश्यकता भी इसकी है हमारे बहुभाषिक संस्कृति में, जैसे अभी तक नहीं हो पाया है कि उत्तर भारतीय भाषाओं को दक्षिण भारत में स्थान नहीं मिल पाया है, दक्षिण भारतीय भाषाओं को उत्तर भारत में स्थान नहीं मिल पाया है। तो मुझे लगता है अगर तकनीकी के समय में, इतनी तकनीकी हमारे देश में विकसित हो चुकी है, अगर ऐसा कुछ हो सकता है कि प्रयोगशाला के माध्यम से हम सभी या दो तीन भाषाओं को सीख सकते हैं जो हमारी मातृभाषा से अलग हैं, तो मुझे लगता है कि एक नेशनल इंटीग्रेशन में भी लाभदायक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन अब जो इन्होंने परिभाषा दी हियास साहब ने, इसमें इन्होंने कहा कि सामान्यतया यह कार्य साधारण व्यवस्था में इतनी प्रभावशाली या इतने प्रभावशाली ढंग से नहीं हो सकता है।
और विदेशी भाषा का जिक्र किया, अर्थात विद्यार्थी अपनी मातृभाषा को सामान्य व्यवस्था में तो सीख सकता है, क्योंकि उसके पास पड़ोस में, उसके परिवार में, अपने साथियों के साथ वो आए दिन उस भाषा के संपर्क में रहता है, और इससे ज्यादा अधिक जीवंत प्रयोगशाला और कहीं नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रत्यक्ष संपर्क में रहना बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन अन्य भाषा के संदर्भ में यह संभव नहीं हो सकता है। थोड़ी सी चर्चा हम परिभाषा पे और कर ले हियाज साहब की परिभाषा के बाद। अगर भाषा प्रयोगशाला को सामान्य शब्दों में परिभाषित करना हो जी। तो हम यह कह सकते हैं कि भाषा प्रयोगशाला से आशय एक ऐसे कक्षा कक्ष से है जिसमें तकनीकी संसाधनों यथा कंप्यूटर, टेप रिकॉर्डर, सॉफ्टवेयर आदि का प्रयोग करके भाषा अर्जन को प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। ये भाषा विदेशी भी हो सकती है या अपने देश की भी हो सकती है जी। इसकी शुरुआत जो है, भाषा प्रयोगशाला की शुरुआत वर्ष 1946 में लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी से मानी जाती है। हालांकि भारतीय परिदृश्य में इसकी शुरुआत बहुत बाद में हुई, लेकिन पाश्चात्य देशों में इसकी शुरुआत 1946 से ही हो जाती है। तो इस प्रकार से भाषा प्रयोगशाला की परिभाषा को हम ध्यान में रख सकते हैं या भाषा प्रयोगशाला को समझ सकते हैं। मूल बात जो है वो ये है कि ये सिर्फ विदेशी भाषाओं के लिए ही नहीं है, बल्कि अन्य भाषा यानी विद्यार्थी की मातृभाषा या अब तो मातृभाषा के लिए भी इसका प्रयोग किया जाने लगा जी, है जी। तो इस प्रकार से हम भाषा प्रयोगशाला को समझ सकते हैं जी। अब प्रश्न यह उठता है जी। कि इसकी आवश्यकता क्या पड़ी जी। जी मैं यही पूछना चाह रहा था डॉक्टर साहब कि भाषा प्रयोगशाला की आवश्यकता क्यों है। चूंकि भाषा तो हम समाज में रहकर सीख सकते हैं, तो आखिर इसकी आवश्यकता क्या है जी। तो इसके संदर्भ में हम यह बात कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को पारंपरिक कक्षा कक्ष वातावरण में अभ्यास के लिए प्राप्त होने वाले अवसरों की तुलना में अधिक अवसर प्रदान करने के लिए भाषा अधिगम अभ्यास में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए इस प्रकार के प्रयोगशाला की आवश्यकता होती है। अब यहां पर दो मुख्य बातें आ रही हैं। एक, पारंपरिक कक्षा कक्ष वातावरण में अभ्यास के लिए जो अवसर उन्हें प्राप्त होते हैं उससे अधिक अवसर प्रदान करना। पारंपरिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों की संख्या कम से कम 30 या 40 होती है और समय 40 मिनट से अधिकतम एक घंटे तक का होता है। तो अगर हम 30 विद्यार्थी और एक घंटे का भी समय लेते हैं तो प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 घंटे का औसतन समय माना जा सकता है। अब ये समय इतना पर्याप्त नहीं होता है कि विद्यार्थी अभ्यास कर अपने भाषाई कौशलों को विकसित कर सके। जब हम भाषा प्रयोगशाला की बात करते हैं तो इसमें समय की कोई बाध्यता नहीं होती है। विद्यार्थी यहां स्वगति से सीखता है, वह अपने समय से सीखता है। जब उसे जितना समय मिलता है, जितना उसको सीखने का मन करता है, वो उतना ही सीखता है, उतना ही समझता है। तो इसमें उसे अभ्यास करने के अवसर अधिक होते हैं। दूसरी बात, यहां विद्यार्थी अत्यधिक सक्रिय रहता है, वह स्वयं अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकता है, उसे सुन सकता है, उस भाषा के जो मूल वक्ता हैं उनकी आवाज को, जो इंटरनेट पर आजकल कई सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, कई कार्यक्रम यूट्यूब वगैरह पर पड़े होते हैं जिनमें हम उन भाषा के मूल वक्ताओं को सुन सकते हैं, सुन के हम तुलना कर सकते हैं कि उन्होंने कैसे उच्चारण किया है, हमारा उच्चारण कैसा है आदि आदि। तो विद्यार्थी यहां पर अति सक्रिय होता है। इसलिए इन दोनों तथ्यों के कारण भाषा प्रयोगशाला की आवश्यकता जो है वो औचित्यपूर्ण प्रतीत होती है। धन्यवाद डॉक्टर गिरीश। मैं समझता हूँ कि दो मायने में, एक बच्चों को बोलने का अवसर प्रदान करने में, दूसरे कि अपनी गति से सीखने, दो मुद्दों पे मुझे तो बहुत ही उपयोगी लगती है भाषा प्रयोगशाला। इसके मैं जानना चाहूँगा इसके कौन कौन से घटक हैं। आपने ये एक बहुत अच्छा प्रश्न किया, घटक। हम सब भाषा प्रयोगशाला की परिभाषा तो हमने समझ ली जी, हमने उसकी आवश्यकता भी जान ली जी। घटक
यानी उसके अवयव, उसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ताकि हम प्रयोगशाला को देखकर पहचान सके कि नहीं, ये भाषा प्रयोगशाला ही है, कुछ और नहीं है जी। या हमें खुद भी या हमारे दर्शकों को कभी खुद भी भाषा प्रयोगशाला विकसित करनी हुई तो उन्हें इस कार्य में दिक्कत न आए जी। मुख्य रूप से भाषा प्रयोगशाला के तीन प्रमुख घटक होते हैं, श्रवण कोष्ठ। श्रवण कोष्ठ को सामान्य भाषा में श्रवण को सुनना कह सकते हैं। सामान्यतः भाषा प्रयोगशाला में 16 से 20 श्रवण कोष्ठ होते हैं। प्रत्येक कोष्ठ में एक मेज तथा एक कुर्सी होती है जिस पर बैठकर विद्यार्थी अपना कार्य कर सकता है। इसके इतर इस कोष्ठ में टेप रिकॉर्डर, दूरभाष जिस पर की परामर्शदाता यानी जो शिक्षक होता है उससे बातचीत की जाती है, स्विच नियंत्रण के लिए बहुत सारे स्विच होते हैं, श्रवणेंद्रिय दूरभाष, थोड़ी सी क्लिष्ट हिंदी है, आंग्ल भाषा में इसको ईयरफोन कहा जाता है और इसी रूप में ये अधिक प्रचलित है, तो श्रवणेंद्रिय दूरभाष आदि उपलब्ध रहते हैं जी। दूसरा घटक परामर्शदाता का कोष्ठ होता है जी। यह एक ऐसा कक्ष होता है जिसमें बैठकर परामर्शदाता विद्यार्थी से संपर्क करता है। इस कोष्ठ में कई टेप तथा मास्टर टेप रहते हैं। इसके अलावा इस कोष्ठ में मॉनिटरिंग स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, ग्रुप कॉल स्विच और ऑफ कॉल स्विच होते हैं। ये सारे इसके उपकरण हैं। तीसरा घटक नियंत्रण कक्ष है। इस कक्ष में सभी प्रकार के टेप रिकॉर्डर तथा उपकरण विद्यमान रहते हैं ताकि पूरी प्रक्रिया पर हम आसानी से नियंत्रण स्थापित कर सके। इस प्रकार से ये तीन प्रमुख घटक होते हैं। अब मैं अपने विद्यार्थियों को एक भाषा प्रयोगशाला का चित्र दिखाना चाहूंगा जी। हालांकि ये चित्र एक विमीय है, अर्थात इसमें सिर्फ एक ही घटक श्रवण कोष्ठ को ही दिखाया गया है जी। लेकिन ऐसे ही जैसे कि ये श्रवण कोष्ठ दिख रहा है, विद्यार्थी चेयर पर बैठा हुआ, उसके सामने कंप्यूटर और ईयरफोन लगे हुए हैं, वो सुन सकता है, ईयरफोन के माध्यम से अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकता है। और थोड़ा सा अगर हम देखें, थोड़ा सा चित्र के बाएं कोने की ओर जाए तो परामर्शदाता का कोष्ठ वहां बना हुआ है जो स्पष्ट दिख नहीं रहा है। हालांकि इस चित्र को त्रिविमीय होना चाहिए था जिसमें हम तीनों पक्ष, तीनों घटक को दिखा सके, लेकिन फिर भी इस चित्र के माध्यम से एक सामान्य जानकारी, एक सामान्य संकल्पना भाषा प्रयोगशाला की हमारे विद्यार्थियों के, हमारे दर्शकों के मन में हो सकती है जी। अब चित्र या भाषा प्रयोगशाला की संकल्पना को समझने के बाद, उसके घटक को समझने के बाद, उसकी आवश्यकता को जानने के बाद, दर्शकों के मन में एक प्रश्न अवश्य उठेगा। मेरे मन में भी प्रश्न आ रहा है कि इसमें कैसे काम होता है, इसकी प्रक्रिया, इसकी क्या प्रक्रिया है जी। क्योंकि सब जान लेने के बाद अगर ये कैसे काम करता है यही नहीं पता हो तो हमारे लिए उसकी उपयोगिता ना के बराबर है जी। तो इसकी प्रक्रिया को हम इसके विभिन्न कोष्ठों या विभिन्न घटकों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। श्रवण कोष्ठ में उपलब्ध सभी उपकरणों से विद्यार्थी का नियंत्रण कक्ष के माध्यम से संपर्क स्थापित रहता है। नियंत्रण कक्ष नियंत्रण स्थापित करने के लिए है और श्रवण कोष्ठ में विद्यार्थी जिन उपकरण, जितने सारे भी उपकरण वहां पर है, उन सारों से उसका नियंत्रण उस कक्ष के माध्यम से स्थापित होता है। विद्यार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार सावधानी पूर्वक टेप का चुनाव करते हैं जी। अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं एवं उसे सुनते भी हैं। आवाज को रिकॉर्ड करने एवं सुनने का पूरा प्रबंध श्रवण कोष्ठ में होता है जी। प्रत्येक कोष्ठ की 4 फुट ऊंची दीवार होती है जी। जैसा कि आपने चित्र में भी देखा होगा कि सारे कोष्ठ अलग अलग दीवारों से अलग किए गए हैं जी। इसके पीछे का कारण यह होता है कि विद्यार्थी बिना किसी रुकावट के, बिना किसी संकोच के, क्योंकि उसकी आवाज और कोई नहीं सुन रहा है, तो वो उसके मन में जो एक शंका होती है, एक जो संकोच होता है कि कहीं मैं गलत बोलूं तो बगल वाला सुन के क्या कहेगा, वो खत्म हो जाता है। तो बिना किसी रुकावट के वो अपना कार्य कर सके और परामर्श प्राप्त कर सके, इसलिए इस तरह की दीवारें बनाई जाती हैं। परामर्शदाता अपने कोष्ठ में बैठकर विद्यार्थियों को परामर्श देता है। मॉनिटरिंग स्विच के माध्यम से, जब मैं कोष्ठ की बात कर रहा था तो मैंने बताया कि इसमें ऑफ कॉल स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, मॉनिटरिंग स्विच, ढेर सारे स्विच होते हैं। तो मॉनिटरिंग स्विच के माध्यम से विद्यार्थियों की आवाज को सुनता है
और आवश्यकता महसूस होने पर उसमें सुधार करता है। अगर उसे लगता है कि विद्यार्थी का उच्चारण गलत हो रहा है तो वो वहीं से अपने कोष्ठ में बैठे बैठे ही उसे परामर्श देता है कि इसका उच्चारण इस प्रकार से किया जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के माध्यम से वह विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्ड किए गए प्रोग्राम को नियंत्रित करता है। ग्रुप कॉल स्विच की सहायता से वह विशेष रूप से कार्य करने वाले विद्यार्थियों के लिए घोषणाएं करता है। विशेष रूप से कार्य करने वाले विद्यार्थी यानी जो अच्छा कर रहे हो, औसत विद्यार्थियों की तुलना में जो अच्छा कर रहे हो। इंटरकॉम स्विच आवश्यकता पड़ने पर विद्यार्थियों से दो तरफा संप्रेषण स्थापित करता है, यानी वो विद्यार्थी को परामर्श दे सके और विद्यार्थी अपनी शंका को साझा कर सके, ये इंटरकॉम स्विच की माध्यम से होता है। जब सभी विद्यार्थियों के लिए घोषणाएं करनी होती है तब परामर्शदाता ऑफ कॉल स्विच का प्रयोग करता है। इस प्रकार से ये प्रक्रिया संपन्न होती है। नियंत्रण कक्ष विद्यार्थियों, परामर्शदाता तथा सभी उपकरणों के मध्य नियंत्रित संपर्क स्थापित करने के लिए होता है। संपर्क का नियंत्रित होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा प्रयोगशाला सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगी। विद्यार्थी अपने टेप को सुनता है तथा मौखिक अनुक्रिया करता है, उसकी अनुक्रिया श्रवण कोष्ठ में रखे गए उपकरण के द्वारा रिकॉर्ड कर ली जाती है। विद्यार्थी अपने टेप का कई बार उपयोग कर सकता है, इस प्रकार वह स्वयं भी जान सकता है कि उसकी अनुक्रिया उपयुक्त है कि नहीं, कहां पर गलती की है, खुद समझ सकता है। परामर्शदाता मास्टर टेप का प्रयोग करता है, प्रत्येक श्रवण कोष्ठ में विद्यमान टेप में आवाजों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, यानी जो परामर्शदाता की आवाज है वो मास्टर टेप में होता है, वो प्रयोग करता है और साथ ही साथ वो आवाज श्रवण कोष्ठ में जितने भी टेप रखे होते हैं उसमें वो रिकॉर्ड होती जाता है। अब इस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि आप हमारे शिक्षार्थियों के लिए भाषा प्रयोगशाला के महत्व पर भी थोड़ा प्रकाश डालें। वैसे इसके संपर्क और प्रक्रिया से कुछ हम समझ सकते हैं, लेकिन विशेषज्ञ के रूप में आप बताएं हमें कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। इसके महत्व को समझना है हमें तो हम कुछ बिंदुओं को ध्यान में रख सकते हैं जी। जैसे बार बार शुद्ध विषय वस्तु को सुनने एवं शुद्ध उच्चारण अधिगम में सहायता मिलती है जी। हम अगर स्वाभाविक परिस्थिति में देखा जाए तो हम शुद्ध उच्चारण को हमें हो सकता है एक आध बार सुन ले, लेकिन बार बार सुनना हमारे लिए स्वाभाविक परिवेश में संभव नहीं होता है, जो कि हम प्रयोगशाला के माध्यम से कर सकते हैं और फिर हम उस शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कर सकते हैं। विद्यार्थी को इससे अभिप्रेरणा प्राप्त होती है, विद्यार्थी स्वगति से सीखता है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि उस पर कोई दबाव नहीं है। जब उसका मन होगा, जब उसे समय मिलेगा तब वो सीखेगा जितना उसे सीखना होगा। ये नहीं कि आज 40 मिनट की कक्षा में ये पूरा हिस्सा पढ़ जाना है तो पढ़ जाना है, चाहे हमारे बात दिमाग में आए जी। और या हमारे दिमाग से ऊपर निकल जाए, ऐसा कोई दबाव नहीं होता है, क्योंकि उसे जो मन है वो सीखेगा और जितना मन है वो सीखेगा। स्वगति का सिद्धांत यहाँ अपनाया जाता है। उसको पृष्ठपोषण भी तुरंत प्राप्त हो जाता है, तो इससे और अभिप्रेरित होता है कि अच्छा भाई हमने ये गलती की है तो इसको ऐसे सुधारेंगे, या हमारे कार्य जो है संतोषजनक है तो हम और मनोयोग से कार्य करें। शब्दों के शुद्ध उच्चारण में भी उसे सहायता मिलती है, क्योंकि एक विद्यार्थी का उच्चारण किसी दूसरे विद्यार्थी को सुनाई नहीं देता है जी। इसलिए बिना संकोच के वह सरलता पूर्वक कार्य कर सकता है, अर्थात उसके मन का संकोच जो है, जिसको हम शाइनेस कहते हैं, वो धीरे धीरे, जो घबराहट होती है वो धीरे धीरे बाहर आती है। वो पाठ को बार बार दोहरा सकता है, इस कारण से उसमें क्रियाशीलता बढ़ती है। तो भाषा प्रयोगशाला के ये कुछ महत्व हमें देखने को मिलते हैं। सबसे अच्छी बात तो मुझे लगी कि मशीन गलती भी बताएगी और डांट भी नहीं पड़ेगी। हाँ, इसका ये सबसे अच्छा मुझे महत्व लगा बच्चों के लिए। शिक्षक की डांट, हालांकि आजकल तो डांटना बहुत कम हो गया है जी। और चूंकि न्यायपालिका भी इस बात की हमें अनुमति नहीं देती है कि विद्यार्थियों को डांटा जाए, लेकिन डांटना भी एक समय तक आवश्यक है जी। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है, भय भी न हो तो न प्रीति। भय के बिना, भय की एक निश्चित सीमा का होना भी आवश्यक है।
लेकिन शारीरिक मानसिक दंड के रूप में ना वो हो। सीमा कितनी होनी चाहिए ये शिक्षक को निर्धारित करना पड़ता है, वो अतिशय ना हो जाए, क्योंकि अतिशय अहित नहीं होना चाहिए, अति किसी भी चीज की हानिकारक होती है। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि किस हद तक भाषा प्रयोगशाला हमारे लिए महत्वपूर्ण है और कहाँ इसकी सीमाएं कहाँ हैं, मतलब किस सीमा में हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। आप भाषा प्रयोगशाला की सीमाओं को अगर ध्यान में रखा जाए तो सबसे बड़ी जो सीमा है इसकी जी, वो यह है कि यह एक खर्चीली प्रणाली है। अच्छा। और हमारे देश में, भारत जैसे देश में जहाँ की विशाल जनसंख्या है और संसाधनों का अभाव है, वहां पर हर एक विद्यालय महाविद्यालय के लिए इस प्रकार के प्रयोगशाला की स्थापना करना थोड़ा सा कठिन या दुरूह कार्य प्रतीत होता है। हालांकि इसके भी विकल्प ढूंढे गए हैं और जिस प्रकार से विज्ञान की आभासी प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है, वर्चुअल लेबोरेटरीज बनाई गई हैं साइंस के लिए, आप वैसे ही वेबसाइट पर जाकर काम कर सकते हैं जैसे कि आप वास्तविक प्रयोगशाला में काम करते हैं, आपको बिल्कुल वही अनुभव मिलेगा। ऑनलाइन लेबोरेटरीज हैं, उसी तरीके से आप केमिकल का मिश्रण करेंगे या जो भी आपको करना है वो करेंगे, उसी तरीके से ऑनलाइन भाषा प्रयोगशालाएं भी उपलब्ध है। और इस दृष्टिकोण से मुझे एक नाम याद आ रहा है, सनाको एक वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन लैंग्वेज लैब का ही वेबसाइट है और ये बहुत ही उपयोगी वेबसाइट है। इस पर जाकर आप भाषा प्रयोगशाला न होने की जो कमी है उसको दूर करके और आप सीख सकते हैं। दूसरी बात, इसका प्रयोग भाषण कौशल या जिसको हम उच्चारण कौशल या वाक कौशल कहते हैं और श्रवण कौशल में तो बखूबी किया जाता है, लेकिन लेखन कौशल और पठन कौशल में इसका उपयोग न के बराबर है। अर्थात यह एकांगी हो जाता है, यह भाषाई कौशलों के समस्त विकास में सहायक नहीं है, दो कौशलों पर ध्यान केंद्रित करता है। तीसरी बात है, प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव है। भाषा प्रयोगशाला सामान्य अध्यापक के वश की बात नहीं है, उसके लिए अध्यापक को तकनीकी रूप से दक्ष होना पड़ेगा और भाषा प्रयोगशाला के लिए भी उसे कुछ विशिष्ट प्रशिक्षण लेने पड़ेंगे। तो ऐसे अध्यापकों का भी अभी अभाव है, तो ये कुछ सीमाएं भाषा प्रयोगशाला के प्रयोग में हमारे सामने आती हैं। अब हम देखते हैं कि भाषा प्रयोगशाला किस प्रकार से हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है कि हम श्रवण कौशल या लेखन कौशल और अभिव्यक्ति कौशल जो है, ये जो चारों कौशल हैं हमारे पास, श्रवण पठन वाचन लेखन, इसमें से हम दो कौशलों का विकास नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी दो कौशल के विकास में यह सहायक है। और वो दो कौशल है अभिव्यक्ति कौशल या भाषण कौशल या वाक कौशल और श्रवण कौशल। ये दो कौशल भाषा के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, क्योंकि आज भी भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के मौखिक रूप को ही महत्व दिया है। उनका मानना है कि भाषा का मौखिक रूप ही महत्वपूर्ण है, तो मौखिक अभिव्यक्ति शुद्ध होनी चाहिए। इसलिए उच्चारण की शुद्धता पर बल दिया जाता है। अब उच्चारण की शुद्धता श्रवण कौशल पर निर्भर करती है। जैसे हम बिना सुन के और सही उच्चारण नहीं कर सकते, उसके लिए हमें सुनना पड़ता है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा कि भाषा का क्या सामान्य अर्थ है, भाषा प्रयोगशाला से क्या आशय है, उसकी आवश्यकता क्या है, इस भाषा प्रयोगशाला के विविध घटक कौन कौन से हैं, आदि विषयों पर आज हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर तिवारी, मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक नए विषय को हमारे शिक्षार्थियों के सामने रखा, और मैं मानता हूं कि हमारे शिक्षार्थियों ने आज इसकी संप्रत्यय और इसके घटक और इसकी महत्व और सीमाओं को समझा है। कल वो किसी भाषा प्रयोगशाला में प्रशिक्षण भी प्राप्त करेंगे और अपने
विद्यार्थियों के लिए प्रयोग भी करेंगे। मैं देख रहा हूँ कि कुछ अच्छे विद्यालयों में जो जिसमें निजी विद्यालय शामिल हैं, केंद्रीय विद्यालय शामिल हैं, उनमें भाषा प्रयोगशालाएँ स्थापित हो रही हैं। आशा है कि निकट भविष्य में सभी विद्यालयों में ये भाषा प्रयोगशालाएँ स्थापित होंगी। रूसा के तहत तो ऐसी योजना चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हम इसको समझें। मैं फिर से पुनः आपका धन्यवाद देता हूँ स्टूडियो की तरफ से। धन्यवाद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर त्रिपाठी, और हमारे सभी दर्शकों का भी धन्यवाद।